किया है तो निश्चित रूप से हर दूसरी तरह की बुद्धि संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर के भीतर से पैदा करते हैं। साधारण तर्क की समझ में नहीं आती। संक्रामक और पुराने रोग मौलिक स्तर की हमें संक्रामक रोग बुद्धि का स्वभाव ये है के हमले की वजह से होते हैं कि अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी काट छाट करनी होगी। चीजों को अलग अलग करना, चीजों को अलग करके आप उस चीज का उपयोग समझ सकते हैं। अगर मैं इस इंसान का विश्लेषण करता हूं तो मैं जान जाऊंगा कि इनका उपयोग कैसे करना है, लेकिन मैं उन्हें नहीं जान पाऊंगा। जब मैं पूरी तरह से उन्हें अपना एक हिस्सा बना लूं, सिर्फ तभी मैं उन्हें जान पाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप किसी वैज्ञानिक को एक फूल देते हैं तो सबसे पहले तो वो उसके टुकड़े कर देगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। एक कवि फूल के बारे में गाने गाएगा, वो नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, पर फूल उसे खुशी देता है। तो एक भक्त बुद्धि का एक अलग ही आयाम है। वो ऐसी चीजें देखेगा जो कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हैं। आपके और अंतिम वास्तविकता के बीच सिर्फ एक ही बाधा है, वो आप खुद हैं। तो भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हो जाएं। तो ये शिव के बारे